जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की आती हुई हर तस्वीर के साथ इस असीम ब्रह्मांड का तिलिस्म और गहराता चला जाता है, जहां एक ओर इन नई खोजों के साथ नए राजों का पर्दाफाश होता है, हम ब्रह्मांड के बारे में कुछ नया और पहले से अधिक रोमांचक बातें जानते हैं, तो वहीं हमारी खोज की सीमाएं भी बढ़ती चली जाती हैं। हमारे सामने कुछ ऐसे नए सवाल उठ खड़े होते हैं जिनके जवाबों की तलाश हमें एक और नई भूल भुलैया में ले जाती है। मगर यहाँ भटकने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हमारे पास है सदी का सबसे महान टेलीस्कोप जेम्स वेब, जिसकी निगाहों ने हमें ब्रह्मांड के वो वंडर्स दिखाए हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और हाल ही में इस टेलीस्कोप ने फिर एक बार हमें कायनात के एक ऐसे करिश्मे से मिलवाया है जिसे देखने के बाद हम फिर से उन्हीं सवालों के जाल में उलझ चुके हैं कि आखिर हमारी एस्ट्रोनॉमी की समझ उतनी भी है क्या कि हम उन रहस्यों को ही समझ सकें जिन्हें हमने खोजा है। खैर, ये खबर है JWST की नई खोज कार्टवील गैलेक्सी की इस नई तस्वीर को लेकर, जिसमें वैज्ञानिकों को एक ऐसी विचित्र गैलेक्सी दिखी जिसका आकार कार्टवील यानी कि किसी बैलगाड़ी के पहिए जैसा है। ये तस्वीर अपने आप में बेहद फिनोमिनल है, क्योंकि इसमें दिख रहे नजारों की कल्पना कर पाना भी इंसानों के लिए असंभव सा था, मगर आज JWST ने ये कमाल कर दिखाया है। तो आइए जानते हैं इस कार्टवील गैलेक्सी के बारे में बेहद गहराई से। वेल, नासा ने पिछले महीने ही इस गैलेक्सी पर अपनी नजरें जमा ली थीं, जिसका नतीजा ये हुआ कि इस महीने की शुरुआत के साथ ही हमें ये तस्वीर सौगात में मिली। ये तस्वीर अपने आप में बेहद खास है, मगर उससे भी खास है इस तस्वीर में मौजूद ये गैलेक्सी, जिसका विचित्र आकार अब भी हमारे लिए एक सोच का विषय बना हुआ है। खैर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम इस गैलेक्सी से पहली बार मुलाकात कर रहे हैं, बल्कि हम तो इसे हबल स्पेस टेलीस्कोप के दौर से जानते हैं। बीते वक्त में हबल ने भी इस गैलेक्सी की कुछ तस्वीरें बनाई हैं, जिन्हें लेटेस्ट वेब द्वारा ली गई इमेजेस से कंपेयर करने पर एक ही बात सामने आती है, और वो ये है कि नो डाउट जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हबल के कंपैरिजन में बेहद कलर्ड, एनहांस्ड और डिटेल्ड इमेजेस प्रोड्यूस कर रहा है। हाल ही में वेब द्वारा ली गई कार्टवील गैलेक्सी की इस इमेज में हम रंगों का बेहतरीन संगम देख सकते हैं, जहां एक ओर इस तस्वीर में गुलाबी रंग के घेरे के इर्द गिर्द चमकीली नीली रोशनी का बखार दिखता है, तो वहीं कुछ दूरी पर पीले और नारंगी रंग के ग्लेटर्स इसकी शोभा बढ़ाते हुए मालूम पड़ते हैं। पहली नजर में तो ये पूरी तरह एक कलाकार के मन की उपज या फिर कोई मन घड़ंत कॉस्मिक आर्ट लगती है, मगर जब निगाहें इसे पूरी शिद्दत से देखती हैं, तो मालूम चलता है कि ये कैनवास पर बिखरे रंगों का नहीं, बल्कि हमसे 500 मिलियन लाइट ईयर्स दूर मौजूद एक गैलेक्सी का नजारा है। ये नजारा महज एक खूबसूरत गैलेक्सी का घर नहीं, बल्कि इस पूरी कायनात में मौजूद चंद परफेक्ट राउंडेड गैलेक्सी की मिसाल है, जो हमारे वैज्ञानिकों को इस ब्रह्मांड की संरचना और उसके काम करने के मूलभूत सिद्धांत को समझाने में आसानी देगा। इससे मिलने वाले ज्ञान की बातें तो एक तरफ हैं, मगर इसके इस बेहतरीन आर्टिस्टिक लुक को डीकोड करने की कोशिश दूसरी ओर। तस्वीर में दिख रही गैलेक्सी के तमाम हिस्सों को अलग अलग रंगों और टेक्सचर्स को डिफरेंट कॉस्मिक बॉडीज से रिलेट करके देखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इस पहिए के मध्य में दिख रहा गुलाबी रंग का घेरा, जो कि वास्तव में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है, वो किसी की आंख की पुतलियों जैसा प्रतीत होता है, तो वहीं कोनों कोनों में फैले रोशनी के ये अंबार रात में चमचमाते जुगनुओं से दिख रहे हैं, मगर हकीकत तो ये है कि वो उस गैलेक्सी के भीतर ही फॉर्म अप हुए स्टार सिस्टम्स हैं, जो कि कॉन्स्टेंटली लाइट को स्पेस में रेडिएट करते रहते हैं। इस तस्वीर में दिख रहा लाइट का हर एक कतरा हमारे सूरज और संपूर्ण सौरमंडल से भी कई गुना ज्यादा बड़ा है, यानी कि ये इमेज एक बेहद मैसिव स्केल पर खींची गई है, जिस कारण इस छोटे फील्ड एरिया में भी एक साथ बहुत से खगोलीय पिंडों का अंबार लगा पड़ा है। नासा के मुताबिक फिलहाल ये गैलेक्सी जितनी राउंड और स्पाइरल देखने को मिल रही है, हो सकता है कि ये उससे भी ज्यादा स्पाइरल तब हो जब ये अपने हाई गैलेक्टिक टाइम से गुजर रही हो। वेल, हम सभी ये बातें जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड निरंतर एक्सपेंड कर रहा है, हम हर वक्त गैलेक्सीज और उनमें मौजूद ब्लैक होल्स को मूव करते हुए देखते हैं। ऐसे में हर वक्त गैलेक्सीज और उनमें मौजूद ब्लैक होल्स मूव करते रहते हैं, जिस कारण कई बार ऐसा भी होता है कि हमें इन आकाशगंगाओं के बीच जोरदार टकराव देखने को मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक बड़ी और शक्तिशाली गैलेक्सी अपने से छोटी और कमजोर गैलेक्सी को अपने भीतर समा लेती है, जिसके चलते बदलते वक्त के साथ गैलेक्सीज का शेप, साइज और वेलोसिटी सब कुछ डायनामिक रहता है। यही कारण है कि जिसके चलते हमें निरंतर बीतते वक्त के साथ इन आकाशगंगाओं के आकार में परिवर्तन देखने को मिलता है। इस जटिल बात को सरल शब्दों में समझने के लिए
आइए एक मामूली सा उदाहरण लेते हैं। क्या आपने कभी किसी तालाब में पत्थर फेंके हैं? अगर हाँ तो आपने ये भी जरूर देखा होगा कि जैसे ही शांत ठहरे हुए पानी में ये वजनदार चीज प्रवेश करती है तो रुके हुए पानी में मोशन देखने को मिलता है। स्ट्राइकिंग एरिया के सेंटर में एक गहरा होल बन जाने से पानी में रिपल्स बनते हैं और ये नज़ारा कुछ यूं नजर आता है। गैलेक्सीज के मामले में भी कुछ ऐसा ही होता है। जिस तरह पानी में पत्थर पड़ने के जस्ट बाद हमें रिपल्स का एक परफेक्ट सर्कुलर पैटर्न देखने को मिलता है, ठीक वैसे ही गैलेक्सीज के मामले में भी ऐसा ही होता है। गैलेक्टिक मर्जर के जस्ट बाद वाली स्टेज ही एक परफेक्ट राउंड या फिर यूं कहें कि स्पाइरल गैलेक्सी को जन्म देती है, जो वक्त बीतने के साथ बिगड़कर फैलती चली जाती है। अतीत में कभी न कभी तो कोई गैलेक्सी आकर आज की कार्टव्हील गैलेक्सी से टकराई होगी, जिसके चलते ही ये नतीजा देखने को मिल रहा है। इस गैलेक्सी से जुड़ी कुछ और अहम बातें सामने रखते हुए नासा हमें ये बताता है कि आज इस आकाशगंगा के भीतर एक एक्टिव कोर है जिसका तापमान इंतहाई ज्यादा है और वो लगातार अब भी हीटेड प्लाज्मा पार्टिकल्स और लाइट रेज को स्पेस में रेडिएट कर रही है। बात करें इस गैलेक्सी के बाहरी कोनों की तो इसमें हीटेड गैस और डस्ट पार्टिकल्स का बसेरा है जो कि इवॉल्व होते होते एक स्टेलर नर्सरी में बदल चुके हैं, अर्थात वो अब नए सितारों को जन्म देने वाले नेबुलास बन चुके हैं और उनमें एक के बाद एक नए सितारे और उनके इर्द गिर्द गर्दिश करने वाले ग्रहों की रचना हो रही है। इस गैलेक्सी में केवल बाहरी परिवर्तनों से नहीं बल्कि आंतरिक कारणों से भी बदलाव आ रहे हैं। नासा वैज्ञानिकों ने अपनी जांच में ये पाया कि ये गैलेक्सी भीतरी तौर पर भी इवॉल्व कर रही है, जिस कारण इसमें इंटरनल एक्सपेंशन यानी कि आंतरिक विस्तार के लक्षण भी देखने को मिल रहे हैं। ये बात इस गैलेक्सी को बेहद रेयर बनाती है क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड में ऐसी आकाशगंगाओं की संख्या लगभग न के बराबर है जिनमें विस्तार का कारण केवल बाहरी विक्षोभ नहीं बल्कि अंदरूनी बदलाव हैं। डीप रिसर्च करने के बाद वैज्ञानिकों को इस बात का भी पता चला कि इस गैलेक्सी का लाइफ साइकिल भी बाकी अन्य गैलेक्सीज की अपेक्षा काफी अलग है। इसमें तारे बनने की दर किसी भी अन्य नोन गैलेक्सी से कई गुना ज्यादा तेज और प्रभावी है, जिसके चलते न्यू मैटर पार्टिकल्स का यूनिफिकेशन पॉसिबल हो पाता है और अल्टीमेटली गैलेक्सी के शेप, साइज और इवन की वेलोसिटी जैसे सभी फिजिकल फैक्टर्स पर असर पड़ता है। अंत में इस गैलेक्सी पर वैज्ञानिकों का एक क्लियर मैंडेट है और वो ये है कि इस तरह की आकाशगंगाएं ही हमारे ब्रह्मांड में छिपे हुए राजों से हमें अवगत करवाएंगी, क्योंकि वास्तव में यही इस कायनात के वो हिस्से हैं जहां इस जहान के सबसे बड़े तिलिस्म शामिल हैं। अब देखना यह है कि ये राज कब तक फाश होंगे। दोस्तों आप इस पर क्या सोचते हैं हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी दोस्तों अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही अगर आप डॉक्यूमेंट्री लाइब्रेरी पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन इनेबल कर लें ताकि एस्ट्रोनॉमी और स्पेस साइंस की वीडियोस आप पा सकें सबसे पहले। दोस्तों मिलते हैं ऐसी एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी, नमस्कार।